गीता एक गरीब लड़की है, वह बिन माँ बाप की बेटी है, इसलिए उसके सास और उसका पति उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। गीता के घर में गीता की ही चलती थी, वो जो कहती थी उसके सास और उसका पति बिना कुछ कहे मान लेता था, क्योंकि वह एक बिन माँ बाप की बेटी थी और उसने शादी से पहले बहुत दुख दर्द सहा था। गीता घर का कोई काम नहीं करती थी, उसके घर का सारा काम उसका पति और उसकी सास करते थे और कुछ काम उसकी बेटी भी करती थी। गीता तो रोज अपना पर्स लेकर बाहर घूमने चली जाती थी। गीता को कोई कहता भी नहीं था कि वह इस तरह रोज बाहर न जाए या घर का काम करे, घर का काम उसका पति और उसकी सास कर लेती थी। लेकिन एक दिन उसके पति को उसकी सास ने कहा कि बेटा गीता को ना रोको टोको, तो उसको समझाओ कि इस तरह रोज बाहर जाना सही नहीं होगा। हाँ वो बाहर जा सकती है, पर वो अगर कभी कभार जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो इस तरह रोज बाहर जाएगी तो हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे। ये सब सुन के गीता का पति बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे। अगर वो गीता को कुछ कहता था तो गीता नाराज हो जाती। उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो गीता को कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता था और वो ना ही माँ की बात टाल सकता था। इसी तरह गीता रोज अपने ससुराल वालों को कुछ न कुछ कहती रहती। घर में कुछ भी करना हो गीता की ही चलती थी। वो अपने पति और अपनी सासू को बहुत बातें सुनाती थी। अगर उनसे कोई काम ठीक से नहीं होता तो भी वे उन्हें डांट लगाती थी। फिर भी उसका पति और उसकी सास चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहते थे। ये सोचकर कि कभी ना कभी गीता को एहसास होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो सही नहीं है, हम उसे लाड़ प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में उड़ने लगे। पर ये बात कभी उसके ससुर ने और उसके पति ने उसके मुंह पर नहीं कही। उन्हें सिर्फ इसी बात का विश्वास था कि कभी ना कभी उसे इस चीज का एहसास होगा। एक दिन ऐसे ही गीता अपनी सहेली रश्मि से मिलने जाती है। वो दोनों काफी दिनों के बाद मिलती है। रश्मि उसको सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी सासू उस पर अत्याचार करती है और उसका पति भी उसकी सास की मदद करता है, उसे कुछ नहीं कहता। उसकी सास उसके पति को उसके खिलाफ भड़काती भी रहती है। वो चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी अच्छे तरीके से घर की सारी साफ सफाई करे, सारा काम करे, फिर भी उसकी सासू उसमें नोकझोंक निकाली देती थी और उसका पति भी उसकी माँ का साथ देता था। जब ये बात रश्मि ने गीता को बताई तो गीता को एहसास हुआ कि वो तो अपने पति और अपनी सासू के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, घर का कोई काम नहीं करती, फिर भी उसकी सासू और उसका पति उसे कुछ नहीं कहता। वो उन्हें बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए हजारों बातें सुनाती है, फिर भी उसके सासू ने उसे कभी नहीं डांटा। ये सुनकर गीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह घर जाकर अपनी सासू के सामने रोने लगती है। उन्हें सब बात बताती है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है कि उसने कितना गलत किया। तब उसकी सास उसे कहती है कि बेटा रो मत, हमें विश्वास था कि तुम्हें एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा और तुमने गलती चाहे कैसी भी की हो लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बड़ी बात है, अब हम सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। तुम बिल्कुल शोक मत मनाओ क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हें एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इसके बाद गीता और उसका परिवार साथ मिलकर हंसी खुशी